What are the main components of nuclear? Can you tell me? सर क्या पूछा था? What are main components of nuclear? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ नहीं होता है सर. नहीं देखो अब ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर द मेन पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस बट नाउ मोर देन 100 मोर पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड व्हिच एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस. थोड़े बहुत ही मालूम है. क्या थोड़े बहुत? म्यूऑन, ग्लूऑन. हाँ बहुत सारे हैं. म्यूऑन, पायऑन, ल्यूऑन. करेक्ट. मोर देन 100 मोर पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड. ठीक है. यस सर. ऑल दोस पार्टिकल्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स. ओके. Yes. मतलब उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही मिलते हैं, बनते हैं, वापस डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. करेक्ट. तो स्टिल द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर कंसिडर्ड टू बी एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स because they can show independent existence. Okay? ये clear है? Sir, but वो जितने भी वो थे छोटे छोटे पार्टिकल इससे भी जो मैं वो तो they are just constituents of protons and neutrons ना. constituents of protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट तो बाय लेटेस्ट थ्योरी आर क्वार्क्स. अच्छा हाँ क्वार्क्स. सॉरी. हाँ सर. तो स्टिल द मेजर कंपोनेंट्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड यू नो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. करेक्ट. यस सर. यस सर. And neutrons are neutral. Yes, sir. So, point here, if protons are positively charged, उनके बीच electrostatic repulsion होगा. Correct? Repulsion तो होगा ही ना. हाँ सर. और जब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो कोई रोल प्ले करने नहीं वाले हैं. अग्रीड? यस सर. यस सर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो कोई रोल प्ले करने नहीं वाले हैं और प्रोटॉन्स में है रिपल्शन. तो भाई एक न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? How is the nucleus stable? Sir, protons और neutrons ऐसे arranged होंगे ताकि repulsion minimized हो. Repulsion आप minimize कर सकते हो, लेकिन repulsion तो रहेगा ना. बात तो ये है, कोई भी चीज stable कब होती है? Nuclear attraction force के कारण. हाँ, अब ये nuclear force क्या है? तो किसी को बात समझनी है हमें इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल बात कि ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्सेस हैं. करेक्ट. ये समझ में आ रहा है ना रिपल्सिव फोर्सेस हैं? यस सर. रिपल्सिव फोर्सेस हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस कोई समझ में आ नहीं रहा है. अग्रीड? यस सर. यस सर.
लेकिन ये हमें मालूम है बाय आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। अब जो चीज एग्जिस्ट करती है वो स्टेबल तो हो, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेट रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा तो होना पड़े। रिपल्सिव फोर्सेस तो हमें दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस का हमें कोई रीजन नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं कि न्यूक्लियस में एक और टाइप का फोर्स लगता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है, करेक्ट। अब ये कहते ही बहुत सारी प्रॉब्लम ओपन हो गई। पहली प्रॉब्लम तो ये ओपन हो गई कि भाई अगर ऐसा कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है तो वो आपने इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं लगाया, करेक्ट। जब आप श्रोडिंगर बोर्स मॉडल एक्सेट्रा सब कर रहे थे तो वो फोर्स आपने इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं लगाया, तो उसका हम लोगों ने ऐसे सोल्यूशन निकाल दिया कि भाई ये जो फोर्सेस है ये बहुत शॉर्ट रेंजेस में वर्क करते हैं। मतलब कहने का कि इनका जो भी फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में आर की बहुत हाई पावर है, मतलब आर जरा सा ज्यादा हुआ और ये फोर्सेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। तो व्हाट वी से दैट दीज फोर्सेस ओनली वर्क फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब इन ऑर्डर ऑफ 10^-15 meters। डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ 10^-11, -10 की रेंज में आया, देन दीज फोर्सेस बिकम नेग्लिजिबल, ओके। तो ये तो सोल्यूशन दे दिया हमने कि भाई इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरा बात यह है कि भाई इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ये फोर्सेस क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, करेक्ट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। तो अगेन नॉट येट क्लियर एंड दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस क्यों लगते हैं, उनका ओरिजिन का रीजन क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, नोबडी येट कैन आंसर फॉर श्योर, ठीक है। यस सर, वी डू नॉट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। बट यस वी कैन से इस तरह के कुछ फोर्सेस होते हैं, और उसका रीजन हमारा ये कहने का क्या है, बिकॉज न्यूक्लियस इज स्टेबल एग्जिस्ट, ओके। इतना क्लियर है, यू डू नॉट हैव द क्लियर पिक्चर that what is the reason or why do nuclear forces exist, but there are some common observation regarding nuclear stability which we should discuss and understand. So pehla point hum log dekhte hain, we define a term called as, pehli cheez dekhenge hum log mass defect and binding energy, ठीक है, mass defect and
बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द कैलकुलेटेड मास बाय सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने हैं उन सबके मासेस का अगर हम सम करें तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इतना ही मास होना चाहिए न्यूक्लियस का, करेक्ट? यस सर। लेकिन हमें हमेशा मिलेगा कि जो हमें एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का वो इस वैल्यू से कम है, करेक्ट? तो ये जो डिफरेंस होता है ना इसको हम कहते हैं मास डिफरेंस, ओके? तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज मास डिफरेंस। And it is assumed that this mass has been converted to energy, which is spent in stabilizing the nucleus. This energy is called as binding energy, ठीक है? नोट कर लो इसमें। हो गया नोट? एक मिनट। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या है मास डिफेक्ट? डेल्टा है। हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मान लो एक न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो उसमें ए माइनस जेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और जेड प्रोटॉन होंगे। तो ये हम मास एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल मास इससे कम है तो ये हो गया मास डिफरेंस, ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? मास डिफेक्ट इनटू कैलकुलेशन शॉर्टकट एक याद रखो,
कि वन यू का एनर्जी इक्विवेलेंट विल बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मासेस का क्या यूनिट किया था, एएमयू, करेक्ट? हाँ सर। वैसे यहाँ हम लोग यूनिट लेते हैं यू, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज एएमयू, ठीक है? तो वन एएमयू को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वो, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया सर? हाँ बोलो सर। ये सी स्पीड ऑफ लाइट वाला सी है? हाँ ये सी स्पीड ऑफ लाइट वाला सी। सर थोड़ा सिलेशन होता, सर ये हम लोग मास टू एनर्जी कन्वर्ट करते थे तो उसके अंदर एनर्जी कंजर्व कैसे रहती थी? कंजर्व होगी ना, मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर लेवल पे होती है तो बाकी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे लिख सकते हैं, ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए। तो आगे इसमें लिखते हैं, इट इज फाउंड दैट या इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is greater than seven point five mega electron. तो एक जनरल रूल बना लेते हैं हम लोग कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन से ज्यादा है वो न्यूक्लियस स्टेबल, ठीक है? सो एक मिनट के लिए प्लीज सर यू क्या था एक बार बता दो ना फिर से। सॉरी फाइव मास यूनिट ऑलमोस्ट सेम एज एएमयू। ओके सर, सर फिर से रिपीट कर सकते हो? आपका वॉइस क्रैक हो रहा था, वो यू क्या है? यू इज जस्ट ऑलमोस्ट सेम एज एएमयू। ओके सर, यूनिफाइड मास में। सर एक बार दिखाना वापस टू लेफ्ट, एक सेकंड। हाँ सर ओके। यस सर डन। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स की 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है,
आयरन की सबसे ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी फर्म होती है। आयरन रेडियो एक्टिव नहीं होता मतलब मतलब जितना ज्यादा बी होगा उतना कम रेडियो एक्टिविटी जो है वो रेडियो एक्टिव जो होता है वो होता है, उसमें कम ज्यादा का क्या मतलब है। सर हाइड्रोजन के बाद सबका 7.5 है क्या? हाइड्रोजन के बाद सबका 7.5 है क्या? 7.5 से ज्यादा होता है। अच्छा सर और कौन से एलिमेंट का कम होता है 7.5 से हाइड्रोजन के अलावा? सर इसके अंदर ऐसा नोबल गैसेस का एक्सेप्शनली ज्यादा कुछ नहीं होता है बिकॉज ये न्यूक्लियस का बात चल रहा है। क्या ऑब्जर्व किया गया ये तो मालूम नहीं है तुम लोगों को? फॉर लाइट एलिमेंट तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले एलिमेंट हैं, दिस रेशियो इज 1। देखो स्टार्टिंग के लिए ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यू विल सी कैल्शियम ऑनवर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने लग जाते हैं, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, चलो नोट करो। सब प्रीवियस पेज दिखाए प्लीज। सर एक मिनट डेरे पे ना
हो गया सर, प्रीवियस पेज दिखाए प्लीज एक मिनट। थैंक यू सर। अब अगर ये ग्राफ बना है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का और ये n इक्वल टू p लाइन, तो स्टार्टिंग में हमें एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे? काफी एलिमेंट्स इस लाइन पे मिलेंगे, करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम हेवियर न्यूक्लियस की ओर बढ़ेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, जो सारे स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो इस रीजन में होते हैं और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस रीजन है बैंड ऑफ स्टेबिलिटी। हम लोग कहते हैं जो न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई करता है वो तो है स्टेबल और जो इसके बाहर लाई कर रहे हैं वो है रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट कर लिया? तो लेकिन वो सेकंड लाइन के क्यों बना? आइसोटोप्स भी होते हैं चीजों। हाँ यस सर। एक सेकंड के लिए दीजिए सर। सर उसके लेफ्ट साइड एक्टिव होंगे ना? क्या? बैंड ऑफ स्टेबिलिटी के लेफ्ट साइड में रेडियो एक्टिव है क्या? दोनों साइड बैंड ऑफ स्टेबिलिटी से कहीं भी बाहर हुए रेडियो
ठीक है, तो बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग कह सकते हैं इवन इवन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर प्रेफर्ड दैन इवन ऑड कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर प्रेफर्ड दैन ऑड ऑड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोट करते हैं। सर ये स्टेबिलिटी के बारे में ना, मतलब को ये आर मोर देन न्यूक्लियर पैटर्न जो कि ज्यादा है मतलब वही स्टेबल है। हाँ ओके, हो गया नोट। ऐसा क्यों होता है न्यूक्लियर लेवल पे? क्यों का तो इस चैप्टर में जवाब है ही नहीं, समझ लो, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम है कि न्यूक्लियर फोर्सेस लग क्यों रहे हैं। वॉइस क्रैक हो रहा है काफी। आई एम सेइंग क्यों का जवाब तो है ही नहीं इस चैप्टर में कहीं पे भी, क्योंकि हमें तो यही नहीं मालूम है कि न्यूक्लियर फोर्सेस लग क्यों रहे हैं। अच्छा हाँ सर, हमें तो न्यूक्लियर फोर्सेस का ओरिजिन ही नहीं मालूम है, ये तो बस हम लोगों ने जो कॉमन ऑब्जर्वेशन आज तक की है उन्हीं को टैब्यूलेट कर ले रहे हैं कि शायद इन्हीं से रिलेटेड होगा। ओके यस सर, तो नेक्स्ट पॉइंट इज को मैजिक नंबर। नंबर्स क्या है? तो कुछ नंबर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये नंबर चुके तो इन नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। चलो नोट कर, सर ये सब एक्सपेरिमेंटल है क्या? हो गया सर, हो गया। एक सेकंड सर,
और लेटेस्ट इसमें जो थ्योरी हम लोग फॉलो करते हैं वो है मीजोन थ्योरी। ओके ये फर्स्ट में ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट करते हैं। ऐसे इंटरकन्वर्ट करते रहते हैं विथ हेल्प ऑफ मीजोन। तो सपोज उसको ऐसे समझे मान लो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं वन और टू। पार्टिकल वन एक प्रोटॉन है, पार्टिकल टू एक न्यूट्रॉन। ये दोनों आके आपस में कोलाइड, और कोलाइड करते समय प्रोटॉन में अपने अंदर से पाई प्लस पॉजिटिव मीजोन बाहर फेंक दिया। अब प्रोटॉन से अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल आएगा तो प्रोटॉन क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो बन गया न्यूट्रॉन, करेक्ट। तो पार्टिकल वन जो प्रोटॉन था वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, और उसने अपने अंदर से एक पॉजिटिव पाई मीजोन बाहर फेंक दिया। अब मीजोन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है, मतलब वो बनेगा और बनते ही उसको डिस्ट्रॉय होना है, बनते ही उसको कमजोर होना है, राइट। अब आसपास कौन सा दूसरा पार्टिकल है? पार्टिकल टू। मीजोन को डिस्ट्रॉय होना है मतलब पार्टिकल टू को मीजोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पार्टिकल टू ने मीजोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो पार्टिकल टू क्या बन जाएगा? प्रोटॉन, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर
ऐसा न्यूट्रॉन प्रोटॉन करके कोई अलग अलग चीज है नहीं, ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। करेक्ट सर, पर एक प्रोटॉन के पास ही न्यूट्रॉन होगा ना? एक प्रोटॉन के पास ही न्यूट्रॉन होगा ना? प्रोटॉन के पास क्यों न्यूट्रॉन होगा? न्यूट्रॉन कहीं से भी बन सकता है, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मास और चार्ज फ्लक्स के रूप में फ्लो कर रहा है, जो कभी प्रोटॉन बन जाएगा कभी न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो देयर इज अ लार्ज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज एंड मास। ऐसे फिक्स्ड नहीं है चार्ज और मास एक पार्टिकल के। ओके नहीं सर, क्योंकि आपने बोला कि जो प्रोटॉन बन रहा है उसने एमिट आउट किया न्यूट्रॉन, तो वो एक न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन ने अपने अंदर का कुछ मास, कुछ एनर्जी और चार्ज बाहर फेंक दिया। वो बाहर जो फेंका उस पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन कहने लग गए। न्यूट्रॉन भी फेंक सकता है, न्यूट्रॉन अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक देगा, क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहने लग जाएंगे। कोई भी अपने अंदर से मास और चार्ज बाहर फेंक सकता है। तो दिस थ्योरी सेज दैट देयर इज अ लार्ज डीलोकलाइजेशन ऑफ मास एंड चार्ज इन द न्यूक्लियस व्हिच गिव्स द न्यूक्लियस इट्स स्टेबिलिटी। ओके ठीक है। हाँ सर, चलो आगे। तो ये तो हो गई सम थ्योरी या सम पॉइंट्स बाय विच वी ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके सर, आप एक सेकेंड वो मीसॉन थ्योरी वाला पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर। सर मीजान को नेगेटिव बन के क्या फायदा मिलेगा? मतलब उसमें तो कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन में तो कोई काम नहीं आएगा। प्रोटॉन को पॉजिटिव बन के क्या फायदा मिलेगा? ये बताओ, पार्टिकल है, एग्जिस्ट करता है, उसमें फायदा मिला नहीं मिला ये क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे पॉजिटिव मीजान था वो उससे कंबाइन होके न्यूट्रॉन से कंबाइन होकर प्रोटॉन बना दिया उसे, लेकिन अब नेगेटिव मीजान है वो किससे कंबाइन होगा? अच्छा प्रोटॉन, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, अरे सर नहीं, तो न्यूट्रॉन ने अंदर अपने अंदर से एक नेगेटिव मीजान भेजा और खुद प्रोटॉन बन गया। इस नेगेटिव मीजान को प्रोटॉन ने ले लिया, वो न्यूट्रॉन बन गया। Yes, sir. Thank you, sir. Next, let's move to nuclear reactions. तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग लिखते तो केमिकल रिएक्शन की तरह है, मतलब रिएक्टेंट्स लेफ्ट में, प्रोडक्ट्स राइट में, ठीक है? मतलब जैसे टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या है? नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं रिगार्डिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन? एटॉमिक नंबर्स, समझ गए ना? यस सर। क्या है उनका टोटल दोनों ओर बराबर होता है, ठीक है? हाँ सर। तो एटॉमिक नंबर कंजर्व क्यों होना चाहिए? एटॉमिक नंबर कंजर्व रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कैसे हो जाएंगे? चार्ज बैलेंस के लिए एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ सॉरी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? सर फिर तो न्यूक्लियर मास कंजर्व नहीं होता है, तो मतलब हम क्या कहेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन में हम चीजें क्या कह देते थे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट? यहां कैसे लिखेंगे देखो, कुछ ऐसी इक्वेशन बने, समझ में आया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस मास एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। Yes, sir. सर एक बार दिखाना हो स्लाइड। हाँ ठीक है, तो इसी से हम क्यू वैल्यू भी निकालते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन की, मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स इनटू सी स्क्वायर। अब ये अगर नेगेटिव है मतलब प्रोडक्ट्स का मास कम है, मतलब रिएक्टेंट्स का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा है, मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी मास बन जा रही है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोर्जिक और एंडोर्जिक, या थर्मिक वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं, क्लियर है? हाँ सर, क्योंकि हीट के फॉर्म में जब ब्रेक नहीं हो रहा है
एक मिनट सर, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या थे? नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। वो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता अमोनिया का हो, या वो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता नाइट्रिक एसिड में हो, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो अमोनिया के नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन, उनको लेने से इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगला बॉन्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, has no effect on nuclear reaction. Okay? So. Or point. तो टेम्परेचर प्रेशर इनका भी कोई लेना देना नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इनको कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। ओके। क्यों सर? मैकेनिज्म ही नहीं है कोई। अच्छा, हो गया नोट? एक मिनट सर। जस्ट वन मिनट।
कर लिया इतना नोट? हाँ सर। सही, पूरा चैप्टर ऐसा ही है क्या? नाउ वन स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आर रेडियो एक्टिविटी, करेक्ट? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, करेक्ट? तो व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी? चाहे कॉमन मोड्स, सबसे कॉमन मोड्स क्या है रेडियो एक्टिविटी? अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। बीटा प्लस डीके एंड गामा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, लेट्स से वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है एक्स, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, ये डिसइंटीग्रेट करके अपने अंदर से एक हीलियम का न्यूक्लियस विच वी कॉल एज अल्फा पार्टिकल उसको बाहर फेंक दे। ओके सर, मतलब हमेशा हीलियम निकल जाएगा ना? हीलियम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस। हाँ, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा डीके में हमेशा हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। बीटा डीके में क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बीटा पार्टिकल भेजता है। बीटा पार्टिकल इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका ये मास नंबर प्लस आर बीटा, क्लियर? बीटा प्लस डीके में क्या होता है? न्यूक्लियस अपने अंदर से पॉजिट्रॉन बाहर फेंकता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? और गामा डीके में क्या होता है? गामा डीके में एक एक्साइटेड न्यूक्लियस अपने अंदर की एक्सेस एनर्जी को डिस्कार्ड करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो दीज आर द फोर मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्लियर? यस सर। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है क्या सर? जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा वो इनऑर्गेनिक में होता है ना, कार्बोनेट प्लस एसिड को देते हैं CO2 प्लस वैसे आई वॉट आई बोल जनरल रिएक्शन है। अब इनमें थोड़ी एक चीज ये देखते हैं कि ये तो भाई एक न्यूक्लियस था जो स्टेशनरी होगा,
इसने अपने अंदर से हीलियम पार्टिकल भेजे फेंका था, तो इस हीलियम पार्टिकल का कुछ मोमेंटम होगा मान लो कि, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये उसी मोमेंटम पी से रिकॉइल करता है। तो अल्फा डिके में हमें क्या दिखेगा, अल्फा डिके होते ही अल्फा पार्टिकल और डॉटर डॉटर न्यूक्लियाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है? यस सर। सिमिलरली बीटा डिके में ये तो स्टेशनरी था, ये बीटा पार्टिकल बाहर फेंका गया, ठीक है? अब ये बताओ डॉटर न्यूक्लियाई हमें मिला इसके, तो अब ये बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन का। सर आपकी आवाज खराब है। I'm saying, how should we do momentum conservation here? रिएक्टेंट को चला दो स्पीड से। अरे भाई ये रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो अपने आप एक अनस्टेबल न्यूक्लियर अपने आप डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो दैट इज स्टेबल बने, करेक्ट? यस सर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट घूमने लग जाते हैं प्रोबेबली, पता नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन बता क्या क्या मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा है ना? अरे हाँ सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसमें पहले तो कई ईयर से ही माना जाता रहा कि भाई न्यूक्लियर लेवल पे मोमेंटम कंजर्वेशन फेल होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, बट आफ्टर वेरी केयरफुल एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड That beta decay में इसके साथ एक और पार्टिकल बाहर निकलता है which is called as anti-neutrino और जिसका मोमेंटम होता है माइनस। ये पार्टिकल इनिशियल कई साल तक डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, ओके? सर आपने क्या बोला? इसी तरह बीटा प्लस में एमिट होता है न्यूट्रिनो, तो बीटा डीके में क्या हो रहा है एमिट एंटी एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल, ठीक है? ओके अब अगला क्वेश्चन बीटा डीके में ये आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आया कहां से, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? तो देखो बीटा डीके में एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट कर जाता है एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, ठीक है? ओके यस सर। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को थ्रो आउट कर दिया जाता है। अब इस डिके से फायदा क्या हुआ,
भाई इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो इससे इफेक्टिवली एन बाय पी रेशियो को क्या हुआ, एन बाय पी रेशियो कम हो गया, करेक्ट। तो कौन से लोग ये एमिशन करेंगे, हायर वाले ये रीजन, बीटा एमिटर जो एन बाय पी रेशियो को कम करना चाहते, करेक्ट। और सिमिलरली बीटा प्लस में क्या होता है, एक वन प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, तो इससे एन बाय पी रेशियो बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक। तो ये जो रीजन है बीटा प्लस है बीटा, ठीक है। तो बीटा डीके और बीटा प्लस डीके से क्या फायदा मिल रहा है वो तो देख लिया, अल्फा डीके से क्या फायदा मिल रहा है, देखो अल्फा डीके इज द ओनली डीके जिससे मास नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट। अब मास नंबर चेंज होने से फायदा क्या है, देखो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, कैसे देते हैं न्यूक्लियस का रेडियस, आप म्यूट करो और है हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन एज आर नॉट इनटू ए रेस टू वन बाई टू, ओके। और यार ए इज मास नंबर, मास नंबर, तो जितना मास नंबर ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा होगा, यस। और जितना रेडियस ज्यादा होगा, साइज बड़ी होगी, उतना न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस तो दे वर्क ओनली एट स्मॉल डिस्टेंसेस, तो अल्फा डीके का क्या फायदा है, अल्फा डीके का काम है टू रिड्यूस द साइज ऑफ हेवी न्यूक्लियस, तो बहुत हेवी न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, उसमें न्यूक्लियर फोर्स कम होंगे, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है? हाँ सर। और गामा डीके कब होता है,
अल्फा बीटा या बीटा प्लस डीके हुआ, उसके बाद तुरंत होगा एक गामा डीके। तो जो स्टेबिलिटी अचीव की है अल्फा बीटा या बीटा प्लस से, उसको एक्सेस एनर्जी के फॉर्म में तो न्यूक्लियस बाहर थ्रो आउट कर देगा। सर अब गामा का क्यू होता है वो फिर से बता सकते हो? भाई अल्फा बीटा या बीटा प्लस से स्टेबिलिटी आएगी। हाँ स्टेबिलिटी का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट। हाँ न्यूक्लियस को अब अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। हाँ तो एनर्जी को बाहर फेंकनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन। ओके सर। सर बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि मतलब अच्छा मतलब इतने स्पेसिफिक एलिमेंट्स अल्फा डीके दिखाते हैं या मतलब कोई भी डीके दिखा सकते हैं? भाई हैवी एलिमेंट्स अल्फा दिखाएंगे, जिनका एन बाय पी रेशियो ज्यादा होगा वो बीटा दिखाएंगे, जिनका एन बाय पी कम होगा वो बीटा प्लस दिखाएंगे। ओके यस सर। सॉरी मैं दिखाना हो गई। हाँ ठीक है हो गया। सर कैपिटल आर नॉट क्या होता था? कैपिटल आर नॉट की वैल्यू इज अराउंड 10 रेज टू माइनस 15 मीटर। वन पॉइंट टू फर्मी ले सकते हो। ओके सर थैंक यू। तो मतलब जो हेवी जो लाइटर एलिमेंट है उनमें अल्फा डीके उतना देखने को नहीं मिलेगा? तो करो उसको जरा। आया आंसर किसी को? हाँ सर सात अल्फा चार बीटा। सेवन एंड फोर भाई सेवन एंड फोर सेवन अल्फा फोर। राइट थैंक्स। क्या सबको?
हाँ सर सर नहीं समझाऊंगा अल्फा का जो ऊपर वाला नंबर है वो खाली अल्फा पार्टिकल के टाइम एडजस्ट होता है, तो उसका डिफरेंस निकाल लो 28 आता है एंड हर उसके अंदर सा हर इसके अंदर 2 डिग्रीज होता है अल्फा एमिशन, 4 डिग्रीज होता है अल्फा एमिशन में, तो 28/4 कर दे, 7 अल्फा एमिशन आ गए। फिर अब नीचे वाला नंबर के अंदर हर अल्फा एमिशन के लिए 2 कम होता है, तो 14 कम होना चाहिए था बट खाली 10 कम हुआ है, तो 4 कहीं से बढ़ रहा है। अब बीटा प्लस एमिशन के सॉरी बीटा डीके के अंदर प्लस वन बढ़ता था एंड को 4 बढ़ाना, तो 4 बीटा एमिशन हो जाएंगे। बीटा एमिशन में मास नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए ऊपर वाला हम लोग नहीं अफेक्ट होगा बीटा से। क्लियर है? तो कभी भी ना देखो ये सब जो हैवी एलिमेंट होते हैं ये इस तरह अल्फा बीटा डीके चलते और इस तरह पूरी सीरीजेज होती है इनके डीके की जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीजेज। बुकलेट है सबके पास? हाँ सर है। एक मिनट उसमें ओपन करो एक देखो रेडियो एक्टिव सीरीजेज लिखी होगी, एक टेबल बनी होगी और ये 4 सीरीजेज लिखी है। तो देखो जरा किस पेज नंबर पे सब, पेज नंबर 121। 121 इन सीरीज़ का मतलब समझे? देखो मास नंबर किससे चेंज होता है? अल्फा डीके। अच्छा तो कितना चेंज होता है? 4। अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मास नंबर 4 का मल्टीपल है, मतलब 4n टाइप का नंबर है, तो इसकी रेडियो एक्टिव सीरीज में जितने भी न्यूक्लियस आएंगे सबका मास नंबर 4n का ही मतलब 4n टाइप का ही नंबर होगा। यस और नो? हां सर। यस सर। और इसी तरह अगर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 करेक्ट, तो बुक को पेज 121 पे टेबल दीजिए, उसमें आपको हर सीरीज का स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इस पे, करेक्ट? व्हाट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ 4n प्लस 1 सीरीज या 4n प्लस 3? तो ये याद कर लोगे, टेबल में वापस बना नहीं रहा हूँ, बुकलेट में ढंग से बनी है। तो पार्टिकल्स लॉस्ट भी रख, अच्छा नहीं वो कैलकुलेट होता कुछ नहीं सर, वो क्यों याद करोगे? हाँ यस सर। अच्छा नेक्स्ट पेज पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उनकी सीरीज के बारे में कि एक आर्टिफिशियल सीरीज है 4n प्लस 3, वो सब पॉइंट्स है ना नेक्स्ट पेज पे? हाँ सर। यस सर। गो थ्रू दोस पॉइंट्स आल्सो, मेंस पॉइंट ऑफ मेंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। ओके डायरेक्ट वो पॉइंट्स के रिमेम्बर बोले ना अभी आप। हाँ नंबर नहीं मतलब जस्ट कीप इन माइंड, अब बिल्कुल मतलब जो उसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीजें जैसे एक आर्टिफिशियल सीरीज कौन सी है ये ना आर्टिफिशियल सीरीज 4n प्लस 1 क्यू 4n प्लस 1 आर्टिफिशियल सुन लग रहा है मतलब ना कहां से नहीं शुरू होती है पेज 122 पे है वो पॉइंट्स टू। हाँ नहीं आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हो उसको सुनना है आर्टिफिशियल क्यों बोल जी नेचर में अक्सर करती वो नेचुरल है, वो
तो नहीं अकर करती, हम जबरदस्ती करते हुए। अच्छा ये एलिमेंट सब नेचुरल नहीं होता। देखो पीछे पॉइंट्स में नंबर पढ़े तुमने। हाँ सर देखा मैं पेज 122 पे ना क्या लिखा है उसमें। 4n+1 सीरीज इज आर्टिफिशियल सीरीज व्हाइल लेस 3 आर नेचुरल। इसका मतलब ये है कि वो सीरीज अपने आप हमें नेचर में अकर करती हुई नहीं मिलती है। अच्छा अरे हाँ सर सॉरी हाँ हाँ सर तो ये याद कर लोगे ना, मार्क कर लो अपनी बुकलेट में या नोटबुक में, नोट करना हो तो बाद में कर लेना उतनी जगह को, बट ये याद करना है ढंग से। ओके चलो थ्योरी पार्ट तो इतना है, न्यूमेरिकल पार्ट में इसका नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जो इसकी काइनेटिक्स अब स्टडी करनी है हम लोगों को। वो हाफ लाइफ वगैरह सब जिधर लिखा है वो सब वो नेक्स्ट क्लास में, वो उसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन की बुकलेट तो ही नहीं है सर। हाँ सर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी है, इधर उधर बाकी है तो वो भी नेक्स्ट क्लास तक कर देना, सो दैट नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश ऑफ दिस विद कैलकुलस। हाँ सर यस सर चलो बाय एवरीबॉडी टुडे आई विल स्टॉप हियर। बाय सर थैंक यू सर थैंक यू।